के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ नक्सल मामले को लेकर मुलाकात की है। सीएम 3 बजे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ के तमाम मसलों को लेकर मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई है, नक्सल मुद्दे को लेकर चर्चा की गई, इसके बाद पेट्रोलियम मंत्री के साथ भी मुलाकात है, कितनी अहम छत्तीसगढ़ के सिनेरियो को लेकर इस मुलाकात को देखा जा रहा है? देखिए, अर्थे बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर हैं और खासतौर पर मगध छत्तीसगढ़ के हितों से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिन्हें लेकर केंद्रीय मंत्री से लगातार उनकी आज मुलाकात तय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात का दौर शुरू हुआ है। अभी फिलहाल भूपेश बघेल केंद्रीय गृह मंत्री के बंगले पर मौजूद है, उनकी बातचीत फिलहाल चल रही है और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि नक्सल मुद्दा एक बड़ा एजेंडा है इस बातचीत का, क्योंकि केंद्र सरकार भी लगातार नक्सल चित्रों पर अब जोर दे रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार ये चिट्ठियां लिखते रहे हैं केंद्र सरकारों की, नक्सल मसले पर इस तरीके से एकजुट होकर काम किया जाना चाहिए। पिछले दिनों भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी और एक खाका दिया था कि बस्तर में किस तरीके से भी काम किया जाएगा जिससे बस्तर में नक्सलवाद खत्म किया जा सके, और एक बड़ा पैकेज भी चिट्ठी के जरिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांगा था और कहा था कि बस्तर में रोजगार के आयाम के साथ यदि ऐसे सृजनात्मक दिशा में काम किया जाएगा तो बस्तर में नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बातचीत चल रही है। बस्तर में अतिरिक्त बटालियन की मांग भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की हुई है, उससे संदर्भित मुद्दों पर भी बातचीत आगे बढ़ रही है और जैसे ही बातचीत खत्म होगी तो सिलसिलेवार जानकारी सामने आने की उम्मीद की जा रही है। दोपहर 3 बजे केंद्रीय जो पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बातचीत होगी और जिस तरह से इस मंत्रालय के जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट या योजनाएं जो छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित की जा रही हैं, कई राशि केंद्र सरकार की ओर से रिलीज नहीं हुई है, ऐसे तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दोपहर 3 बजे धर्मेंद्र प्रधान से भी बातचीत होगी और चर्चा है कि नितिन गडकरी से भी उन्होंने वक्त मांगा है, राज्य के सड़क परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर भूपेश बघेल की उनसे बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, और साथ ही रेल कॉरिडोर को लेकर भी रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ भी मुलाकात का जिक्र सामने आया था, ये मुलाकात कब तक होगी और किन किन कॉरिडोर को लेकर ये मुलाकात हो सकती है? देखिए, छत्तीसगढ़ में 5 अहम रेल कॉरिडोर के काम शुरू हुए थे पिछली सरकार के दौरान और पीपीपी मोड पर ये रेल परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही है जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार भी एक पार्टनर है। रेलकॉन के साथ ये पूरा एमओयू साइन किया गया था, चूंकि इस सरकार के गठन के बाद से रेल परियोजनाओं में कई तरीके की तकनीकी दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी, लिहाजा ऐसे विषयों को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से भूपेश बघेल की बातचीत हो सकती है और इस बातचीत में उन तमाम विषयों को मुख्यमंत्री उठाएंगे जिनके वजह से ये परियोजनाएं फिलहाल ठंडे बस्ते में है। कोशिश इस बात को लेकर होगी कि जल्द से जल्द इन परियोजनाओं को द्रुत गति से आगे बढ़ाया जाए, लिहाजा केंद्र और राज्य के बीच किस तरीके से कोऑर्डिनेशन तेज हो सकता है, ये बातचीत का एक अहम मुद्दा होने की संभावना है। बहुत शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए।